पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आर टाइम इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कैसे होते हैं। चैप्टर की शुरुआत हम लोग ये इसके साथ करेंगे कि व्हाट आर इलेक्शंस एंड व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी। इलेक्शंस होते क्या हैं, इलेक्शंस जरूरी क्यों है, इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए यूजफुल क्यों है। इसके बाद फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन सी चीजें हैं जो कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती हैं। और यहाँ पे हमारा बेसिक आइडिया होगा कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके बाद हम लोग इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको एसेस करने की कोशिश करेंगे, उसको जज करने की कोशिश करेंगे इस बेसिस पे कि क्या इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। हम लोग इंडिया में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, इलेक्शन के हर स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हर स्टेज पे कि क्या होना चाहिए इलेक्शंस में और होता क्या है इलेक्शंस में। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा, हम लोग ये भी एसेस करेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं या नहीं। इसके साथ ही हम लोग इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको भी एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है। व्हाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो इलेक्शंस जरूरी क्यों है ये जानने के लिए हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी है ये हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस का। चैप्टर की शुरुआत एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट से होगी। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस की है जो कि 1987 में हुआ था। इस न्यूज़ रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। द ऑर्गेनाइजर्स अश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी Here any moment, the crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. Midnight के बाद का समय है, बहुत भारी संख्या में जो बहुत बड़ी भीड़ पिछले पांच घंटे से एक टाउन के चौक पर वेट कर रही है। किस चीज का वेट कर रही है, अपने लीडर के आने का वेट कर रही है। जो मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बार बार पब्लिक को भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी किसी भी समय आते होंगे। भीड़ खड़ी हो जाती है, जैसे ही उन्हें कोई गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है इससे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उन्हें लगता है कि नेताजी आ गए हैं। वे जिस लीडर का इंतजार कर रहे हैं वो मिस्टर देवीलाल हैं जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं, और इन्हें करनाल में एक इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करना था। कब, थर्सडे नाइट को। मिस्टर देवीलाल ये 76 ईयर ओल्ड लीडर हैं, ये इन दिनों बहुत बिजी चल रहे हैं। इनके दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे होती है और ये देर रात 11 बजे तक काम करते हैं। जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन ऑलरेडी ये 9 इलेक्शन मीटिंग्स को सुबह से एड्रेस कर चुके हैं, और
इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते आ रहे हैं पिछले 23 मंथ से, और इस तरह से वो अपने इलेक्शन की जो कमिंग इलेक्शन है उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी ये हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस की थी जो 1987 में हुए थे। उस समय जो हरियाणा था दैट स्टेट, इट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। हरियाणा में 1982 से ही कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। चौधरी देवीलाल जो कि उस समय अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम न्याय युद्ध था, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और इन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम लोकदल था। इनकी पार्टी ने दूसरी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर के एक फ्रंट बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव लड़ने के लिए, और जो इलेक्शन कैंपेन था, जो चुनाव प्रचार था, उसमें देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस जीतती है तो उनकी जो सरकार है वो किसानों के और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लोन को माफ़ कर देगी, और उन्होंने वादा किया कि ये उनके सरकार का पहला काम होगा। हरियाणा के लोग कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस समय उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे, और इसीलिए वो चौधरी देवीलाल के प्रॉमिस की तरफ अट्रैक्ट हुए। जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने पूरे जोश के साथ लोकदल और उनके एलाइज, उनके सहयोगियों के फेवर में वोट दिया। लोकदल और उनके पार्टनर्स को 90 में से 76 सीट्स मिली इस इलेक्शंस में। लोकदल को अकेले ही 60 सीट्स मिली, और इस तरह से लोकदल को क्लियर मेजॉरिटी मिली। कांग्रेस सिर्फ 5 सीट्स ही जीत पाई। एक बार जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी मीटिंग हुई, और उन्होंने जो मेजॉरिटी पार्टी थी मतलब लोकदल, लोकदल के जो मेंबर्स थे उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चूज किया। गवर्नर ने चौधरी देवीलाल को इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 3 दिन के बाद ही चौधरी देवीलाल न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनके गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया जिससे जो स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल बिजनेसमैन, इनके लोन माफ कर दिए गए, और इनकी पार्टी ने हरियाणा में अगले 4 साल रूल किया। नेक्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस 1991 में हुए, लेकिन इस बार लोकदल जो है ये पॉपुलर सपोर्ट नहीं हासिल कर सका। कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट्स मिली 1991 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, और इस तरह से कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। नेक्स्ट सब टॉपिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। इलेक्शंस जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर होते हैं। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देश हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं, और लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इसके अलावा कई सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम इलेक्शंस की नेसेसिटी को समझने के लिए इमेजिन करते हैं कि एक डेमोक्रेसी है जहां पर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस नहीं होते और रूल ऑफ पीपल है तो ये कैसे पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जबकि सभी लोग इकट्ठे बैठ करके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें,
कहने का मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सब लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किसी भी लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग इकट्ठे होकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि ना ही हर किसी के पास टाइम है, ना ही इतना नॉलेज है कि वो सारे मैटर्स में डिसीजन ले सके, ना ही उनके पास एबिलिटी है, ना ही स्किल है। इसीलिए ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। कहने का मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या कोई डेमोक्रेटिक तरीका है जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शंस के ही सेलेक्ट किया जाए। चलो हम लोग इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं एक जगह है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, लोगों के एज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर किसी जगह पे उनको चूज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। लेकिन यहां पर भी कुछ डिफिकल्टी आ सकती है कि हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, कि ज्यादा एक्सपीरियंस कौन है या ज्यादा नॉलेजेबल कौन है। चलो हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि लोग इन डिफिकल्टीज को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, इन मुसीबतों को भी सुलझा लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में इलेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हम ऐसी जगह को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, इस प्लेस को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते हैं या नहीं? कैसे इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये लोगों की इच्छा के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर हम इस चीज को कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोग पसंद नहीं करते वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ना बने रहे, मतलब उन्हें हटाया कैसे जाए? इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल पे चूज कर सकें और उन्हें चेंज भी कर सकें अगर वो उनको चेंज करना चाहते हों। ये जो प्रक्रिया है, ये जो मैकेनिज्म है, इसी को इलेक्शन कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में एसेंशियल माने जाते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, और इलेक्शंस में जो वोटर्स हैं वो कई तरह के जो चॉइस हैं वो लेते हैं। कौन से वो चॉइस लेते हैं? वो ये चूज करते हैं कि हु विल मेक लॉज फॉर देम। इलेक्शंस के थ्रू लोग डिसाइड करते हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। वो ये भी चूज करते हैं कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, मेजर डिसीजन कौन लेगा। वो ये भी चूज करते हैं कि कौन सी पार्टी जो है उसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करेंगी और लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब ये अगला क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections. जो चुनाव हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, सारी जो democratic countries हैं वो चुनाव कराती हैं। लेकिन कई बार जो most non-democratic countries हैं वो भी कुछ कई बार वो भी चुनाव करवाती हैं। तो question ये raise होता है कि हम democratic elections को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो हम लोग किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहने के लिए उस इलेक्शंस में कुछ मिनिमम कंडीशंस का होना
जरूरी है। कौन से मिनिमम कंडीशंस का होना जरूरी है? पहला तो फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, ये राइट टू चूज इट शुड बी गिवन टू ऑल, वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसका ये मतलब है। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, उसका ये भी मतलब है कि हर किसी के पास एक वोट देने का राइट हो और सबके वोट की वैल्यू भी सेम हो, सबके वोट की वैल्यू भी इक्वल हो। जो सेकंड क्राइटेरिया है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, लोगों के पास चूज करने के लिए ऑप्शंस भी होने चाहिए। कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ये चुनाव लड़ने के लिए फ्री होनी चाहिए, मतलब सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स, ये जो चॉइस है ये रेगुलर इंटरवल पे लोगों को मिलना चाहिए। और जो इलेक्शंस हैं वो कुछ सालों के बाद हमेशा रेगुलरली होने चाहिए। फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि द कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द इलेक्शन शुड गेट इलेक्टेड, लोगों के चुने हुए या लोगों के प्रिफर्ड कैंडिडेट्स भी इलेक्टेड डिक्लेयर होने चाहिए। एंड फिफ्थ जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए और जहां लोग जिसको चुनना चाहें उसको वो चुन सके। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, जो चुनाव है ये एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये कॉम्पिटिशन ना हुआ तो इलेक्शंस जो हैं वो पॉइंटलेस हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के कई सारे डीमेरिट्स भी हैं। जो इलेक्शंस हैं इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, जो चुनाव है ये लोगों के बीच में डिसयूनिटी की फीलिंग को क्रिएट करते हैं, ये लोकेलिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में भी बांटते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। इलेक्शन के टाइम में लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट पार्टीज को अपोज भी करते हैं। इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कई बार डर्टी ट्रिक्स को भी यूज करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो ये इलेक्टोरल कंपटीशन है, जो प्रेशर है इलेक्शन को जीतने का, इसके कारण जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो उसको बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ अच्छे लोग जो कि कंट्री को सर्व करना चाहते हैं वो दूसरा कोई भी फील्ड चूज करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये काफी अनहेल्दी कंपटीशन है और इलेक्शंस हमेशा वही जीत सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा हो, जो अनफेयर मींस को यूज करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, वो कितना भी अच्छा हो उसके लिए इलेक्शन जीतना पॉसिबल नहीं है। और यही वो रीजन है जिसके कारण कई बार जो अच्छे लोग जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर करने की बात नहीं करते। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने फ्री कंपटीशन मतलब इलेक्शंस को ऑप्ट किया फ्यूचर लीडर्स को सेलेक्ट करने के लिए। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं ये लॉन्ग रन में
अच्छा काम करते हैं। आइडियल वर्ल्ड में सारे पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और वो पॉलिटिक्स में इसलिए एंटर करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में ग्रो कर सके। कहने का मतलब वो फ्यूचर में और ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस हैं उसको पावर को हासिल कर सकें, और वो इस फील्ड में तभी ग्रो करेंगे अगर वो लोगों को सर्व करेंगे, लोगों की सेवा अच्छे से करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी पार्ट के हों, दूसरे प्रोफेशंस की तरह ये भी अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पावर में बने रहना चाहते हैं, इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं, अपने लिए पावर और पोजीशन चाहते हैं। और किस कोई भी लीडर बार बार इलेक्शन तभी जीतेगा जबकि लोग उसे पसंद करेंगे, और लोग किसको पसंद करेंगे, जो लोगों के लिए काम करेगा। इलेक्शंस जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे लीडर्स को रिवॉर्ड देता है, और ऐसे लीडर्स जो लोगों के लिए काम नहीं करते, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं है, उनको पनिश भी करने का काम करता है। किस तरह से जो इलेक्शंस अच्छे लीडर्स को रिवॉर्ड देता है, क्योंकि इलेक्शंस में वही लीडर्स बार बार जीतते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स दे आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड दे आर ऑल्सो पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। अब ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट लीडर्स को कौन देता है, सिंपल आंसर है, लोगों लीडर्स को रिवॉर्ड देने का काम, लोगों को लीडर्स को पनिश करने का काम लोग ही करते हैं। लोग कैसे करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू करते हैं। जो रेगुलर इलेक्शंस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। उन्हें पता है, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को पता है कि अगर वो लोगों के इश्यूज को रेस करेंगे, लोगों के उन प्रॉब्लम्स को रेस करेंगे, जो प्रॉब्लम लोग चाहते हैं उन्हें रेस किया जाए, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लीडर्स की, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बढ़ेगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लीडर लोगों के बीच में पॉपुलर होंगे उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स अपने वोटर्स को सेटिस्फाई ना कर पाए, उनकी जरूरतों को पूरा ना कर पाए, तो ऐसी लीडर और ऐसी पार्टी अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगी, लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो जिन पार्टीज, जिन लीडर्स को बार बार वोट मिलेंगे वो एक तरह से उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो पार्टीज नहीं जीतेंगी, जो हार जाएंगी, वो उन पार्टीज या लीडर्स के लिए एक तरह से पनिशमेंट होगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्शंस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का भी काम करती हैं। और इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में बने रहना चाहती है, बेशक वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लोगों की सेवा नहीं करती, मजबूरी में करती है, लेकिन बेशक मजबूरी में करती है, अगर वो लोगों की सेवा करेगी, लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी, तभी वो पावर में रहेगी, तभी लोग उसे बार बार वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कोई भी मार्केट वर्क करता है। जिस तरह से कोई भी शॉपकीपर, अगर बेशक वो अपने प्रॉफिट में ही इंटरेस्टेड होता है, अगर उसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो उसे लोगों को अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करना होगा, अपने कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो अपने कस्टमर्स की जरूरतों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कस्टमर उसकी शॉप पे बार बार नहीं जाएंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन भी, बेशक पॉलिटिकल कंपटीशन भी
सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट करता है, इसके अंदर कुछ अग्लीनेस भी है, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को मजबूर भी करता है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करें, लोगों की सेवा करें।